राखी के त्योहार को लेकर असमंजस दूर, नगर व्यास से विशेष बातचीत। कला और संस्कृति की धरोहर मेवाड़ की धरती राजस्थान, जहां भिन्न भिन्न त्योहार अपने अपने क्षेत्रों का महत्व बताते हैं। पिछले कई समय से इन त्योहारों को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां देखी गई। अमूमन कई त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन मनाए जा रहे हैं। त्योहारों पर मुहूर्त हावी होते दिख रहे हैं। इस बार भी भाई बहन के अटूट प्रेम की निशानी का पर्व राखी को लेकर भी लोगों के मन में काफी भ्रांतियां बनी हैं। बाजारों में कई तरह की राखियां सजाई गईं, दुकानों पर बहनों की भीड़ दिखी। कोई राखी का पर्व 30 अगस्त को तो कोई 31 अगस्त को मनाने की तैयारी में है। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार भी भद्रा काल होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमारा संवाददाता लोकेश तिवारी ने नगर व्यास और ख्याति प्राप्त ज्योतिषी राजेंद्र व्यास से बातचीत की। नमस्कार। हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति में त्योहारों का एक अलग विशेष ही महत्व रहता है। अलग अलग त्योहार अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम में मनाए जाते हैं। अभी हाल ही में श्रावण मास भोलेनाथ के चरणों में निकला है और अब रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत शीघ्र आ चुका है। बाजारों में राखियां सज चुकी है, बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर हार राखी बांधने के लिए तैयार बैठी हैं, परंतु एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पिछली बार भी जब देखा गया होली में एक असमंजस था कब त्यौहार मनाया जाएगा, इस बार भी वही स्थिति बन रही है कि राखी का त्यौहार 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए आज हम आए हैं नगर व्यास हमारे बीच में, राजेंद्र जी शर्मा, राजेंद्र जी व्यास हमारे बीच में बैठे हैं। हम बात करेंगे गुरुदेव से। पंडित जी, ये हर बार ये जो त्योहारों पर मुहूर्त को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है, तो क्या कारण रहता है कि ये इस बार या जैसे मान लो अभी इन समय में ही ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इन समय में नहीं है, ऐसा होता है ना कि यह देशांतर का अक्षांश रेखाओं का फर्क पड़ जाता है, तो कहाँ तो घटीपल कम हो जाते हैं, कहाँ घटीपल ज्यादा हो जाते हैं उस तिथि के। तो उस तिथि के हिसाब से हमारे को निर्णय करना पड़ता है कि भाई हम कौन सी तिथि कैसे रखें। मेवाड़ में हमारे यहाँ एक तो मेवाड़ विजय पंचांग और एक श्रीधर पंचांग ज़्यादातर चलता है, और उसी पंचांग के आधार पर हम लोग जो है सब तिथि निर्णय या व्रत निर्णय या त्यौहार निर्णय देते हैं। तो श्रीधर पंचांग, मेवाड़ विजय पंचांग के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। मेरा सभी दर्शकों को 30 अगस्त रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो है भद्रा रहित मनाना चाहिए, और इस साल भद्रा है तो भद्रा का समय सुबह 10:58 से लेकर के शाम को रात्रि को 9:02 तक रहेगा। तो इस परिस्थिति में भद्रा निकलने के बाद रक्षाबंधन करना श्रेष्ठ बताया गया है पंचांग के अनुसार। परंतु एक विशेष परिस्थिति बताई है कि भद्रा का जो पुच्छ काल होता है कार्यत्वा आवश्यक विष्टे मुख मात्रम परित्यजेत, तो उसके अनुसार से जो है इमरजेंसी में शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये भद्रा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, क्या चीज है भद्रा और कितनी तरह की होती है? भद्रा का निवास जो है हमारे तीन जगह बताया गया, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में और पाताल लोक में। तो मृत्युलोक की भद्रा जो है ये हमारे को अनिष्ट करने वाली होती है। इस भद्रा का तो हमें हमेशा ही त्याग करना चाहिए। लास्ट ईयर भी, गत वर्ष भी ऐसा ही था, भद्रा थी, पर भद्रा दूसरी जगह की स्वर्ग की थी, इसलिए वो ग्राही थी, पूर्णिमा तिथि को थी इसलिए ग्राही थी। कहाँ के इसमें बताया गया कि भद्रा के अंदर वार का भी बताया गया कि वार अगर गुरुवार हो सोमवार हो तो वो भद्रा ग्राही हो जाती, दिन की और रात की भद्रा संयुक्त तो ग्राही हो जाती है, परंतु गए बार तो ऐसा था इस वजह से भद्रा में भी रक्षाबंधन हुआ, पर आपके जो भद्रा है वो मृत्युलोक की होने से इसको ग्राही नहीं किया गया विद्वत जनों द्वारा। आपके हिसाब से 30 तारीख शाम को जो 9 बजे बाद का समय है वो उचित रहेगा? 30 तारीख को शाम को, कुछ लोग 31 तारीख को भी मनाने कह रहे हैं। रक्षाबंधन तो अगर देखा जाए तो श्रावण शुक्ला त्रयोदशी से ही चालू हो जाता है और ऋषि पंचमी तक तो निरंतर चलता ही रहता है। ऋषि पंचमी तक भी बहनें अपने भाइयों के राखियां बांधती है, तो इसमें ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। पूर्णिमा को भी बांधना चाहे या पूर्णिमा के बाद भी 2 दिन बाद भी बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। अब जन्माष्टमी भी निकट है, क्या उसमें भी ऐसी स्थिति रहने वाली है? जन्माष्टमी में भी अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग मतांतर के हिसाब से जन्माष्टमी भी 2 दिवस मनाई जाएगी, 6 सितंबर और 7 सितंबर को, सप्तमी बुधवार और अष्टमी गुरुवार को भी। पर जहाँ तक मेरी सोच है भीलवाड़ा में और राजस्थान में जो है हमारे 7 तारीख की ही जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा 30 अगस्त को शाम को 9 बजे बाद रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है, और जैसा अभी आपने बताया जन्माष्टमी का भी 6 तारीख को श्रेष्ठ मुहूर्त है, 7 तारीख को भीलवाड़ा के लिए, 7 तारीख को, 7 सितंबर को श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो ये जो असमंजस की स्थिति है आशा है अब दूर हो चुकी होगी,
भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।